हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुर्ती की साइड में जेब किस तरीके से लगाई जाती है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों, ये मैंने कुर्ती बना रखी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो कुर्ती की जेब लगती है वो राइट साइड में लगती है, और हमें क्या करना है कि जितना हमें मार्जिन लेना है उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी। इसके बाद में हमें इंची टेप से यहाँ से नीचे की साइड से एक इंच पे निशान लगा देना है। यहाँ पे सिलाई लगेगी नहीं। इसके बाद हमें 5.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा देना है, जितनी हमें जेब की लंबाई रखनी है। इसके बाद में हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से दो हम सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये हमें 5.5 इंच यहाँ से रखनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से सिलाई लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ बैक ले लेना है और वापिस साइड में सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमें यहाँ से यहाँ पर निशान लगाया था 1 इंच, यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। ये हमने सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमें इसको ऐसे फोल्ड कर देना है और ये जो मार्जिन है इसको हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से मार्जिन को फोल्ड कर देना है दोनों साइड में। मैं मार्जिन को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ से मशीन को वापस ऐसे घुमा देना है इस तरीके से, और वापिस ऐसे लगा इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हम फोल्डिंग कर देनी है और ऐसे अंदर आप डाल देंगे इस तरीके से। ये हमारा फोल्ड हो गया। इसके बाद हम जेब की कटिंग करनी है। जेब की कटिंग किस तरीके से करते हैं, ये जो मैंने कपड़ा लिया है इसको ऐसे हम लेना है और कपड़े की जो चौड़ाई लेनी है वो लेनी है हमें करीब 5.5 इंच इस तरीके से, और ऐसे हमें डबल कर देना है कपड़े को पहले, और यहाँ से भी हमें 5 या 5.5 रख सकते हैं। मैं 5.5 रख रहा हूँ इसकी लंबाई इसमें डबल में, और इसकी चौड़ाई जो हमने रखी थी 5.5 इंच, और ऊपर से भी हमें 5.5 या 6 इंच जितने हमें पहले कुर्ती में लंबाई रखी थी उसी के हिसाब से 1/2 इंच ज़्यादा रख देना है इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ से कट कर देना है और ऊपर से भी हम कट कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें भी सेंटर में निशान लगाना है। ऐसे यहाँ से भी कट लगा देंगे और यहाँ से भी कट लगा ताकि बराबर है, और यहाँ पे भी सेंटर में निशान लगाना है, और इस साइड में हमें यहाँ पे गोलाई दे देनी है ऐसे डबल करके बाद में से इस तरीके से, और यहाँ पे कट लगा देने। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी इस साइड में और इस साइड में। इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी। इसके बाद हमें इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। अब हमें इस साइड ये निशान है इसको यहाँ पे यहाँ से लेना है और
कुर्ती को इस तरीके से जमा देना है। ये देखिए, ये जो इसी उल्टा साइड है, और इसके बाद में हमें यहाँ पर निशान लगाया हुआ, इसको भी सेंटर में रखना है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से, और ऐसे रख के, और इस तरीके से रखना है, और यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करना है ऐसे। इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमें एक सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमें सिलाई लगा दी है, देखिए यहाँ पे सिलाई लगी थी। इसके बाद हमें इसको ऐसे लेना है, और इसके ऊपर की साइड हमें सिलाई लगानी है, देखिए। और कुछ इस तरीके से हमें ऐसे यहाँ से ये जो पार्ट है इसको बराबर रखना है यहाँ से, और इसको ऐसे इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है फोल्ड करते हुए। ऐसे हमें इस फोल्ड कर देना, यहाँ पे जो पहले सिलाई का निशान लगा था उस यहाँ से हमें ऐसे मिला देना है, यहाँ कट है उसको हमें इस तरीके से मिला देना है। ये देख, इस तरीके से हमें लगा देना है। ये देखिए अंदर, ये अंदर की साइड हो गई। ये देखिए, ये हमारी जेब लग गई है। इस तरीके से आप आसानी से जेब लगा सकते हैं। ये देखिए आसानी से हमारे ये हाथ जो अंदर आ रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।